हेलो फ्रेंड्स, आपका श्री अनंता ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करें। आज मैं आपको बताऊंगी पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, उसके कुछ सेंटेंसेस दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। यहां पे मैं आपको बताऊंगी पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। उसके आगे मैं स्टार्ट करूंगी। मैं आपको कुछ रूल्स यहां पे बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा किस टाइप का सेंटेंस है और किस तरह आपको चेंज करना है। तो रूल फर्स्ट में, किसी भी सेंटेंस को अगर हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा कि सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुके थे, इस टाइप के शब्द आते हैं। और रूल सेकंड में आप क्या देखते हैं सेंटेंसेस के बारे में, फर्स्ट सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे कि किस टाइप के शब्द होते हैं। उसमें पहला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट होगा नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, सेंटेंस इसको हम पहले यहां पे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब मैं यहां पे आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी जो इस प्रकार से हैं। Examples of past perfect tense, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह के sentence होते हैं और किस तरह से आपको change करने होते हैं। यहाँ पे पहले मैं आपको बताऊंगी positive sentence के बारे में। जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसमें आप लेंगे पहले पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था, ये अलग रहेगा, चला गया था।
द थीफ हैज गॉन आउट ऑफ द हाउस बिफोर द पुलिस केम। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आप ध्यान से इसे करेंगे तो समझ में आएगा कैसे करना है। नेक्स्ट सेंटेंस आप लेंगे, चोर के जाने के पश्चात पुलिस वहां पहुंची थी। द पुलिस, ध्यान से आप देखिए और ध्यान से लिखिए, रीच्ड देयर आफ्टर द थीफ हैड गॉन। जब चोर चला गया तब पुलिस पहुंची थी, इसलिए जो पुलिस वाला पार्ट है उसे पहले लिखेंगे, द पुलिस रीच्ड देयर आफ्टर द थीफ हैड गॉन। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, उसने मुझे बताया कि अंकुर ने कार्य कर लिया है। इसका सेंटेंस हम बनाएंगे, ही टोल्ड मी दैट अंकुर, ये नाम है इसलिए कैपिटल लेटर रखेंगे, हैड डन द वर्क। अब यहाँ पे डू डिड डन थर्ड फॉर्म आ गया है तो डन लिख दिया। फोर क्वेश्चन, सेंटेंस नंबर फोर मैं आपको बताने जा रही हूं, सात बजे तक सब दुकानें बंद हो चुकी थी। इसका क्या होगा ट्रांसलेशन, इसका बाय सेवन ओ क्लॉक ऑल द शॉप्स हैड क्लोज्ड। सेंटेंस फिफ्थ, चाय के समय तक हमारी टीम 300 रन बना चुकी थी। बाय टी टाइम आवर टीम हैड स्कोर्ड 300 रन्स। अब मैं आपको बताऊंगी नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस इसके एग्जांपल्स हैं जो इस प्रकार हैं, फर्स्ट मैंने इसके पहले
बम्बई, मुंबई, कभी नहीं देखा, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। आई हैड नेवर सीन मुंबई बिफोर। अब आप बोलेंगे यहां पे नॉट क्यों नहीं लगा, इसलिए क्योंकि यहां पे कभी नहीं का यूज किया गया है। जहां पे कभी नहीं लिखा रहता है वहां के लिए नेवर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, उड़ाका दल आने के पूर्व वह नकल करते नहीं पकड़ा गया था। उड़ाका दल आने के पूर्व वह नकल करते नहीं पकड़ा गया था। अब सेंटेंस यहाँ पे थोड़ा लंबा है तो उसे समझ समझ के करेंगे। ही हैड नॉट बीन कॉट व्हाइल कॉपिंग बिफोर द फ्लाइंग स्क्वाड अराइव्ड। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, सेंटेंस नंबर थ्री, पूछने पर मालूम हुआ कि उसके लड़के, इधर लिखिए, उसके लड़के को बिच्छू ने डंक नहीं मारा है। निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे नहीं का यूज किया गया है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ऑन इंक्वायरिंग, ऑन इंक्वायरी आई केम टू नो दैट अ स्कॉर्पियन हैड नॉट स्टंग, डंक का स्टंग, हिज सन। नंबर फोर, मैं 57 वर्ष का नहीं हुआ था जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। आई हैड नॉट रीच्ड द एज ऑफ 57 व्हेन माय फादर डाइड। आई हैड नॉट रीच्ड द एज ऑफ 57 व्हेन माय फादर डाइड। अब मैं यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आपको कुछ एग्जांपल दूंगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस
फर्स्ट सेंटेंस हम लेंगे, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी? अब यहाँ पे ये है प्रश्नवाचक वाक्य, तो यहाँ पे मैंने लगाया है इस तरह का चिन्ह, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी? इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेंगे, क्या किसान के घर लौटने से पहले सूरज छिप चुका था? क्या किसान के घर लौटने से पहले सूरज छिप चुका था? इसको ट्रांसलेट करेंगे, हैड द सनसेट बिफोर द फार्मर केम कम बैक होम। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या प्रशांत के आने के पूर्व तुम अपना काम समाप्त कर चुके थे? क्या प्रशांत के आने के पूर्व तुम अपना काम समाप्त कर चुके थे? सेंटेंस थोड़ा बड़ा है इसलिए ध्यान से इसे करना है, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क बिफोर प्रशांत केम? कम केम कम होगा, फोर जब मैं घर लौटा बिफोर प्रशांत, जब मैं घर लौटा तो क्या पिताजी सो चुके थे? इसको ट्रांसलेट करेंगे, हैड माय फादर स्लेप्ट, यहाँ पे हैड के संग थर्ड फॉर्म, व्हेन आई रिटर्न होम। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, सेंटेंस नंबर फाइव, क्या सूर्य निकलने
के पूर्व मैं हाथ मुंह धो चुका था। Had I washed myself before the sun rose? यहाँ पे मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसके कुछ सेंटेंसेस मैंने दिए, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए।